दिस इंटरेस्टिंग क्विज इज ऑन वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स विच इज वर्ड्स. ओके, बहुत कॉमन एवरीडे यूज के वर्ड्स हैं. ऑडियंस के लिए बीच बीच में एंड में भी क्वेश्चन है, सो बहुत मजा आएगी. लेट्स गो. ओके, रॉक पेपर सीजर फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, रॉक पेपर सीजर्स. वाह, ताली मार पहले तो. रॉक पेपर सीजर्स. स्वैटविंस. स्वैट, फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. ओके ओके, दिस वर्ड came to English language from Portuguese word manga, which comes from Malay word manga, which ultimately comes from Tamil and Malayalam words mam slash manna, which means X tree, plus K slash kaya, which means unripe fruit or vegetable. No more hints. What word is this? Oh, like second. ये English language में Portuguese से word आया है, Portuguese में Malay से आया है, Malay से ultimately Tamil और Malayalam word है. जो विच मीन्स अनराइप फ्रूट या वेजिटेबल ऑफ सम ट्री. ये क्या है, जैसे मन्ना प्लस तामिल. हाँ, तामिल में इट इज मैम प्लस के, मैम के जैसे वैसे वर्ड होगा, या फिर मन्ना, या फिर मन्ना कया इन मलयालम. तामिल मलयालम, आई एम प्रोनाउंसिंग दिस रॉन्ग, सॉरी. बढ़िया. क्या बोल के देख रहे हैं? मम के मन्ना काया. ओह, यू कैन डू दिस. स्वैट, कम ऑन. ओहो, तू जा रहा है? मैं लगे कैसे है मेरे पास सब, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं उस गैस पे. पास नहीं, रुक जा. One eternity later. मन्ना काया. मन्ना काया. मन्ना काया, मन्ना काया, मन्ना काया. मंकी आया, मंकी आया. इज इट बनाना ट्री? नो मोहित. तो दिस मंगा एंड दिस अनराइप, तो कच्चा आम मुझे लग रहा है. एंड समर सीजन, सो कच्चे आम को कैरी बोलते हैं. इज इट कच्चा आम, आम भी कैरी? Oh God, kill. Nay, refine your answer a bit. I mean, look at the Portuguese word. Manga. Mango. हाँ तो मैं आम ही तो बोला मैंने. नहीं, तो कच्चा आम चला, कैरी पे चला गया तो. हाँ, mango. I'll give them points. It is mango, guys. Special question for the season. So another hint was कि यहीं से ओरिजिनेट हुआ है, लाइक साउथ ईस्ट एशिया से, तो यहाँ से इंग्लिश के पास गया. दैट्स व्हाई तमिल मलयालम वर्ड्स. इट वाज इजी. गाइस, आपके सिटी में कौन सा वैरायटी का मैंगो मिलता है, जरा वो बताओ. समर सीजन एंजॉय करते हैं कमेंट्स में. तेरा कौन सा फेवरेट है? ओ, मुझे सारे ही पसंद है, मैंगो ही फेवरेट. येलो वाला. तो यही मेरा पॉइंट है कि आई डोंट डिस्टिंग्विश बिटवीन मैंगोस. यस, मैंगोस आर मैंगोस. नाइस. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन टू मोहित. ओके. And here you go. Okay. This word traces back to 2002 when it was used in an Australian online forum called ABC Online. Okay. It fits in with the tendency in Australian English to make cute slangy words that end with IE. Okay. So for example, Australians call Barbie is an Australian slang for barbecue. Okay. Okay. So they do this often. Now this word gained popularity through English speaking world in 2013. And English. English speaking world in 2013. It evolved from being a social media buzzword to a mainstream word for a type of photograph. This word was Oxford's word of the year in 2013. What is this word? Selfie le le. You are right. 10 points. So I bhi samajh gayi thi lagta. Main idhar na, main koi aur word soch hi nahi pa raha tha. E se besides selfie, fir jahan jab photograph aaya to main confirm ho gaya wahan par. मुझे वो फैक्ट बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसलिए डाला कि ऑस्ट्रेलियंस डू दिस, कि बार्बी है. सो इट्स एन ऑस्ट्रेलियन स्लैंग. या इट केम फ्रॉम सेल्फी, केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन स्लैंग. एंड द आंसर वाज सेल्फी. आई आल्सो हैव द सेल्फी वी टुक इन आवर फर्स्ट क्विज विज शो. बाय द वे, वन ऑफ आवर क्विज विज अटेंडीज जयंत, ही टोल्ड मी कि ये सेल्फी नहीं है, इट इज कॉल्ड समथिंग एल्स. ग्रुपी. यू राइट, इट इज कॉल्ड ग्रुपी. ग्रुपी. थैंक यू ग्रुपी. सो दिस इज माय क्विज विज शो की ग्रुपी. Okay, time for chill, oh. Thrill. Oh,
एक सेकंड देखना मत, एक सेकंड मत देखो तो. हाँ ओके चल चला जा. ओके सो दिस इज वर्डसेप्शन, मतलब तुम्हें एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बनाने हैं. ओके यू हैव टू मेक फाइव वर्ड्स फ्रॉम एक वर्ड जो मैं दिखाऊंगी, मिनिमम थ्री लेटर के वर्ड्स. कोई रेपिटेशन बाहर से मत करना अनलेस उसी वर्ड में कोई लेटर रिपीटेड हो. और एक वर्ड जो फाइव लेटर्स या उससे ज्यादा का है बनाना इज मैंडेटरी. ठीक है. एंड व्होएवर मेक्स फर्स्ट विंस. फाइव वर्ड्स बनाओ थ्री लेटर के हों और एक कोई फाइव लेटर से ज्यादा का. ठीक है. ठीक है. एंड योर वर्ड इज क्यूरियोसिटी. ओह शिट. थ्री लेटर मिनिमम. पांच बनाने हैं ना. और एक कोई पांच लेटर का भी होना चाहिए. One eternity later. Done. मेरा भी हो गया है. She said it first. Yes. वो पहले बता. चल. Riot. Riot. City. City. Citrus. Wow. I didn't make that word. Rust. Rust. Cyst. Whoa. अरे वाह. क्या तगड़े वर्ड्स बनाए तुमने. I asked ChatGPT to solve this. उसने भी ये सब आंसर नहीं बताए. Yeah. मैंने बनाया द वर्ड जो शायद तूने नहीं बनाया इस बारी. ट्रायो. ट्रायो इंपॉर्टेंट वर्ड. यस ठीक है. सिटी था वो. ठीक है. वन इज आयरिस. IRIS. मुझे सिरी बन रहा था फिर मुझे लगा अच्छा सिरी तो आयरिस का उल्टा है तो मैंने आयरिस कर दिया. और एक मैंने बनाया पता नहीं काउंट होगा नहीं. रोजी. ROSY. और मेरा जो फाइव लेटर वर्ड प्लस था वो था क्यूरियस. तो मुझे लगा यू भी आता है शायद क्यूरियस में. मैंने देखा तो तूने लिखा तो इसलिए मैं नहीं बोला. मैं भी क्यूरियस करने जा रही थी फिर देखा यू. वाओ ये कांग्रेट्स. शी इज एट 5 पॉइंट्स. यू आर एट 20 पॉइंट्स. 20 पॉइंट्स ये थे वैसे 5 लेटर वाले ना. स्कोट क्रस्ट स्टोरी. स्टोरी स्टोरी कितना मस्त है. और ट्राई योर कुड हैव बीन सावर. योर टूर. मैं जब खेली थी तो मैं इस वाले भी फंस गई थी. टूर सावर. अरे वाह यार. But yeah, okay. So 5 and 20. It's 20. Not over. There's one more word. Oh, अच्छा. Oh. यही करना है मैं. Yes. Oh, same thing you have to do. Same thing you have to do. Only exception this time is कि वो five letter वाला तुम्हें नहीं बनाना है. अच्छा. सिर्फ three या more letters के पांच words बनाने हैं. ठीक है. And the next word is what this quiz is about. It is etymology. Etymology means study of origin of words. So etymology. अगेन इसमें ओ दो बार है लेकिन यूज ओ. हो गया. जस्ट सेइंग प्रॉपर नाउन अलाउड नहीं है. मतलब अगर किसी के नाम वाम लिखे हो. नहीं नाम नहीं लिखा. ओके सेट. ओ क्या एक नाम. हाँ तो दोबारा कर कर. तेरे हो गए. डन. हाँ ये पहले बताना चाहिए था. ओ प्रॉपर नाउन्स नहीं होते हैं जो डिक्शनरी वर्ड्स होते हैं. चल जनरल रूल है. चल लेट्स सी. मैंने लिखा है मोल. MOLE. फिर लिखा टूल. TOOL. लाइक ग्लूमी. एंड ग्लूमी है तो फिर ग्लूम भी होगा. एंड देन इट्स टॉय. मैंने लॉग. टॉय. लॉट. टूल. एंड टॉम. टॉम वाज. सो नाउ 25 एंड 5. चलो दे दो मुझे डायरी वापस. Okay, back to grills and it's Swati's turn. Come on, yes. Swat. Okay. George D. Mestral, in 1941, he went for a walk in the Alps mountain. He noticed the seeds of a wild plant clung to his woolen... He noticed the seeds of a wild plant clung to his wooden socks and coat and also to his dog. Inspired from this... Bless you. खुद भी एल्फ माउंटेन में चले गए. स्वैट ठंडी लग रही है. करूँ यहीं से शुरू. इंस्पायर्ड. हाँ. इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस ही मेड अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट एंड अ ब्रांड एक्स एंड पेटेंटेड इट इन 1950s. द टर्म एक्स इज व्हाट वी कॉल दिस थिंग नॉर्मली विदाउट रियलाइजिंग इट इज एक्चुअली अ ब्रांड्स नेम. एक्स कम्स फ्रॉम टू फ्रेंच वर्ड्स मीनिंग वेलवेट एंड हुक. व्हाट इज एक्स. ऐसी कोई चीज कोई प्रोडक्ट का आइडिया उनको आया व्हेन ही वेंट टू एल्प्स माउंटेन. And he noticed the seeds of a wild plant were clung to his woolen socks and coat and to his dog. हमारे साथ भी होता था बचपन में. नहीं वो seeds खेलने जाते थे तो चिपक जाता था. वो
सन्नाटा सा हो गया जैसे एल्फ माउंटेन में हूँ. ये वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस है, मतलब मुझे इसके बारे में ढूंढ के बहुत मजा आई थी. नो यार जा नहीं पा रही हूँ उस डायरेक्शन में. जस्ट थिंक ऑफ व्हाट हैपेंड एंड व्हाट वुड यू मेक आउट ऑफ इट. पास कर दे स्वैग. तो जा गया आंसर. कुछ तो आया. रुक जा एक सेकंड. चल एक सेकंड स्वैग की घड़ी में देखेंगे. आज स्वैट एंड तक सोचना चाह रही है. आज नॉट माय डे. बता नहीं मुझे लग रहा है कुछ लिंट रिमूवर टाइप कुछ है. नहीं तो जा सही रही है बट मोहित 10 पॉइंट्स. वेलक्रो. यस अच्छी पक्का है. एंड देयर इज वेलवेट. तो वेलवेट ये दो हिंट थे कि किसके उधर चिपक रहा था. तो ही रियलाइज सो वेलक्रो इज द ब्रांड नेम जो ओरिजिनली बनाता है. इसको एक्चुअली हुक और लूप कहते हैं. एंड नाउ व्हाई आई फाउंड दिस इंटरेस्टिंग एज अ मार्केटिंग पर्सन वाज कि इन्होंने ना 6 साल पहले कैंपेन निकाला था वीडियो विच सेज डोंट से वेलक्रो. तो ब्रांड ने ब्रांड के सारे लॉयर्स डांस कर रहे हैं यहाँ पे कि यू नो वी हैव लॉस्ट द ट्रेडमार्क टू दिस वर्ड 40 साल पहले. लेकिन व्हेन यू कॉल इट वेलक्रो इट्स नॉट राइट. इट इज अ हुक एंड लूप. सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग 1 मिलियन व्यूज इस वीडियो पे और बहुत ही फनी वीडियो. सारे लॉयर्स डांस कर रहे हैं कि डोंट कॉल इट वेलक्रो इट्स हुक एंड लूप. सो या सो नाउ फ्रॉम नाउ ऑन वी विल कॉल इट हुक एंड लूप. नो मोर H&M ओनली H&L. ओके सो या सो वेलवेट. Yes, points? You get 10 points, you are at 35. Ooh. Swad is at 5. Chalo. Next question to Mohit. Let's go. Okay. Oxford's Word of the Year 2015 was one of the strangest so far, okay. What I personally think. For the first time ever, the word was not exactly a word. Why was chosen as the word? That because it best reflected the mood of 2015. Refer to this graph and see its increase in usage from 2014 to 2015. Theek hai. Why is the word is a type of X. Why is the word which is type of X. X. Okay. Yes. X jo hai wo comes from a Japanese word and is a combination of picture plus letter or character. Theek hai. Why is a type character of character letter matlab theek hai. Now, mobile tech company SwiftKey identified that Y made up 20% of all the X used in UK in 2015. मतलब 1/5 of जितने भी X used हुए हैं, ये जो भी मैं word की बात कर रही हूँ, 20% of that was Y only, the word of the year 2015. What is X? And I will 10 points का तो X का guess करने का ही, but if anybody of you guesses Y also, the exact answer, then you'll get +2. Oh. तो वर्ड ऑफ द ईयर वाज वाई था. यस पर मेन अभी क्वेश्चन में मैं एक्स आइडेंटिफाई कर रहा हूं. वाई इज द बोनस क्योंकि वाई थोड़ी एकदम स्पेसिफिक चीज है. तो मैं चाह रही हूं तुम जनरिक ही आइडेंटिफाई कर लो. ओके जापानीज है पिक्चर लेटर. आई थिंक एक्स इज इमोजी एंड वाई इज स्माइली. वो इमोजी इज राइट बट द इमोजी यू गेस इज नॉट राइट. कोलन और वो पेरेंथेसिस. सर डू यू वांट टू गेस. द आंसर इज वर्ड ऑफ द ईयर एक इमोजी था. ठीक है 20% लोग 20% ऑफ द टाइम्स लोग यही इमोजी यूज कर रहे थे 2015 में. विच इमोजी वॉज दिस इफ यू वॉन्ट टू ट्राई फॉर 2 points. हम भी बहुत यूज करते हैं जनरली वो इमोजी. हार्ट आईज वाला. नो 2 points टू ऑडियंस. क्या है तेरा गैस? लेस देन 3. नहीं नहीं आंसर ही नहीं है. हाँ नहीं अच्छा हाँ. मुझे तो पहले तो वही लग रहा था कॉलन हाइफन और वो स्माइली. नहीं नहीं इस दूसरा इमोजी. ऑडियंस को जाता है क्वेश्चन. आप उसी इमोजी से इसके नीचे कमेंट कर दो. हाँ बताओ कौन सी इमोजी है. यस एंड द आंसर इज दिस इमोजी. द वर्ड ऑफ द ईयर वाज दिस टीयर्स ऑफ जॉय इमोजी. दिस वाज दिस इमोजी. So Mohit, you are at 45. He crossed 40 and you are at 5. But we have thrill section and we have nice more questions heavy. ठीक है? एक question मैं audience के लिए छोड़ रही हूँ यहाँ बीच में, which is कि तुम भी बाद में बताना, ठीक है? कि क्या emoji और emoticon भी बोलते हैं इसको? क्या ये दो words related हैं?
है तो कैसे, नहीं है तो कैसे. And whoever answers this first, we'll keep a track. Whoever gives the right answer first, will get something from us. Yes. Yeah. Yeah. Now coming to thrill section. Huh. Okay. This thrill section is again inspired from my Instagram addiction, जो कोविड में बहुत चल रहा था ये ट्रेंड. Which is guess the gibberish. Gibberish. Okay. Uh-huh. It's gibberish. I think it's gibberish. Anyway. Gibberish? Okay. Guess whatever. Hmm. Guess the gibberish. Hmm. एक sample for the audience. You both want to try? ऐसी sample है ये. तो कुछ वर्ड्स लिखे होंगे उनको आप जब लगातार बोलोगे तो एक कोई वर्ड आएगा. सो हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक. मैं ऐसे बोल दूंगा तो आई नहीं जाएगा. हाइड एंड सीक तो बोल के दे. बोलते जा हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक. So this is the game, okay? Okay, okay, okay. ऐसे तीन चार वर्ड्स हैं, सब पांच पांच मार्क के हैं. Whoever says it first wins. बहुत डिफिकल्ट है. ओके, कोविड में खेला है तुमने? हाँ. हाँ, मैंने अब याद है, मैंने देखा है कुछ पहले कि साथ साथ इधर आ जा रहा था. हाँ. Yes. So let's go. Proceed your. Proceed. तेजी से बोलो. Procedure. Yeah. Procedure. Procedure. तू मत बोल ना. ओह मैं बोली नहीं. हाँ मैं. ऑडियंस के लिए रीड करो पर. ओह दिख रहा है ना. ओके ओके. ठीक है. 5 points to Mohit. Mohit is at 50 now. Let's go. British accent. Whoa! 10, 50 and 10. Good work, Swat. Chalo. Next. LOL. Yeah! LOL. Wo emoji ka answer. Loud. Yeah, aa chuka hai. Oh. 15. Damn! Christopher Nolan right here. Huh? Haan, wo kaise wo emoji yahan par aa gayi ekdum se. Oh. Okay. Lol. ठीक है चलो. So at you're at 15 points now. Okay. Next. Subscribe to है पता है. और subscribe to ring पतंग है. Ring पतंग है. अरे भेजा है. चैट जीपीटी ने लिखा होगा. नहीं नहीं मैंने खुद लिखा है. हाँ. So, एक सब्सक्राइब टू आवर चैनल तो बहुत कॉमन गिबरिश है. सो आई चेंज दैट टू रिंग पता है फॉर अरे पता है. आई थिंक ये साथ में बोला है हमने. हाँ. नहीं आई थिंक यू वर. चल इसने तो बोला है वैसे. मैं इसने पहले शुरू कर दिया था. आई हर्ड हर फर्स्ट सो. ओके. नहीं शुरू भी इसने कर दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. ये भी जिब्रिश लगा है. ओके. माय कॉरिजल नेटवर्क्स. Might have pronounced wrong, but yeah, mycorrhizal networks are underground network where fungi meets fungi and plant roots meet. Okay, the fungi helps the plant get water and nutrients from the soil, and the plant gives fungi its food. Mm. Some studies say that this network is how plants communicate with each other. This extensive network also has a nickname, which is like a joke. It is a play on words. This nickname has three words which we humans associate with the internet. The first word is twigged to fit the role this network plays in the woodland. What is this word? So, ek inka network hai plants ka underground ka, which is technically called mycorrhizal network. Par iska ek aur funny sa naam hai, nickname hai, which comes from humans ka network on the internet and so, all that. So, hume word batana hai? Only first pura, word? Nahin, nahin, first word. Pura word. Oh. Haan, so, pura word. I think it's web. Tell me pura, like three words. World Wide Web. Haan, and? Haan, ab kya? Ye toh internet ka. Internet ka ho gaya. What is it tweaked to? Matlab, ek isse joke. WW. Bhaiya, very close. Ek play hai is word ke upar. I'll give it to you, but I really want, like, I cannot give it to you if you don't tell me the joke. Haan. Joke, I know the joke. I think I know. So, right, you got this right till here. Nickname has three words associated with you. Ne? Hmm. First word is twigged. To fit the role this network plays in Achha. The woodland. Okay. Wood ho gaya. Say it pura. Wood. Ek second. World Wide Web. Wood Wide Web. Yes! Wow! Wood Wide Web. Hum isko internet nahi bolte. Oh, intranet. Interesting. ये जोक मुझे पता नहीं था वैसे. मुझे भी रिसर्च करते ही पता चला. तो कैसे जोक कर रहे हैं हम.
मैं तो इंटरनेट पे था, मैं तो इंटरनेट बोलने वाला था, फिर देखा ना थ्री वर्ड्स का है वो, सिर्फ फर्स्ट वर्ड ट्वीट करने में अच्छा वर्ल्ड वाइड वेब. वो गुड वन सेट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर मोहित. चल मामा लेट्स गो. This word came by joining two Latin words, X and Y. Okay. We have heard these two words separately. X, a small word, means underneath, and Y means to write. Thus, it literally means to sign at the bottom of a document. What word is this? एक word है. एक word है जो दो words को जोड़ के बना है X और Y. X का मतलब होता है underneath and Y का मतलब होता है to write. I can feel my heartbeat, yaar. मैं एक और hint. कितना simple लग रहा है. I was about to write a hint which would have made this very easy. पर I'll give it इसके बाद. इसके बाद bonus में. दोनों एक-एक try कर लो. X a small word means underneath, ठीक है. Y means to write. और इसी order में बनाया ये X. X plus Y, yes. X plus Y. Underneath, okay. To write. Signature. नीचे पर वो नीचे बाद में आया ना, अंडरनीथ एक्स पहले आएगा. तो साइन एंड बॉटम ऑफ डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? ऐसे हमने साइन कर दिया, हे प्लीज साइन दिस डॉक्यूमेंट. मेरा सीए मुझसे क्या बोलता है? प्लीज notarize, authorize, execute, notarize. Want to say so much. Oh man. I don't know, I'll still take an attempt with my original thought signature. No. Sweat. Oh God, I really want तुम दोनों में से कोई एक बता ही दे. Is it a test? No. Okay. Hint, मैंने दूसरी slide में लिखी रखी है. ये इसका last question है. इस उसका इस grills का last question है for you guys. ठीक है. तो the fact that this question is coming at the end of our video makes it really funny. हमारे वीडियो के एंड में आ रहा है सब्सक्राइब. यस इट इज सब मींस अंडरनीथ एंड सब्सक्राइब मींस टू राइट. गुड वर्क सर. 35. आई थिंक यू शुड गिव हर 20 पॉइंट्स. गिव 20 पॉइंट्स मैन. इफ इट इज 20 देन यू गेट 50 and 50. नहीं नहीं हाँ ठीक है. सब्सक्राइब. यस इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड सब्सक्राइब. यस सब एंड स्क्राइब. स्क्राइब. वाओ गुड वर्ड सेट. माय गॉड. बट हम ये यूज नहीं करते ना वैसे. हाँ वैसे नहीं पर ये वर्ड वहां से आया हुआ है. पर हम ऐसे क्यों नहीं यूज? सब्सक्राइब का मतलब ये क्यों होता है फिर? कि नीचे साइन करो, नीचे क्लिक करके बताओ कि तुम आ गए. आई थिंक इट देन इवॉल्व टू मीनिंग कि कुछ भी करके वो अटेस्ट कर दो दैट दिस इज. I think इसमें वो होता है पहले. नहीं पहले एक petition sign करते थे. कौन कौन इस petition पे sign कर रहा है? तो you would subscribe to this petition कि आपको updates आएंगे इसके. Yeah. Is it that? Please tell us. We have to research on this, but yeah, please tell us. Yeah. Do you approve of this content? If you do, please subscribe. Please sign. To add अरे पतंग है. My God, subscribe. तूने क्या बोला था अभी जब इसमें subscribe चल रहा था? What did you shout? Outro. अगर आप हमारे स्टोर पे जाओगे यू विल सी सम ऑफ आवर प्रोडक्ट्स व्हिच वी मेड एंड इट टुक अस सम टाइम टू सेट अप दैट स्टोर बट इट्स सेट अप एंड राइट नाउ इट हैज अ वेरी कूल ईबुक एंड इट विल हैव मोर सच ईबुक्स. सो गो आउट चेक दैट स्टोर एंड बाय इट एंड इट इज अ वेरी गुड बुक. हमने बहुत मेहनत से बनाई है. बहुत प्यारी सी बुक है. बहुत अच्छे क्वेश्चन है. बहुत मजा आएगी. गो चेक दैट आउट.
Oh, who's the winner, वैसे? Mohit, you are the winner. हाँ, but you are the winner. Congratulations! Yeah, yeah. Here is your crown. Woohoo! Here is your runner-up crown too. Yeah. There's a last question, not for you guys, for audience, because I thought यहाँ पे unfair हो जाएगा, because Mohit is very good at that game, and I think Mohit, I'll let you explain this game. तो नहीं देखा है game, I know, so explain. तो हमें puzzle is to find a three-letter word जो सबसे last वाले row पे आएगा, जहाँ पे questions वहाँ से mark लिखे हैं, और उस वो word क्या है? उनके इन समय ऊपर की तीन रो से मिलेंगी. तो जैसे फर्स्ट रो के अंदर 10 वर्ड है और उसका कि 10 लिखा है, 1 ग्रीन में 0 येलो में. तो ग्रीन का मतलब होता है कि यू हैव दीज मैनी लेटर्स, करेक्ट लेटर्स इन द करेक्ट प्लेस, और येलो का मतलब है यू हैव दीज मैनी लेटर्स बट इन द रॉन्ग प्लेस. तो 10 के अंदर टी या ए या एन, इनमें से कोई एक लेटर है जो कि सही है और सही जगह पे है, ठीक है. तो जो फाइनल वर्ड के उसके अंदर टी है तो टी वहीं पे वहीं आएगा, ए है तो वहीं का वहीं आएगा, एन है तो वहीं का वहीं आएगा. ऐसी सेकंड रो में देखेंगे तो बाओ है, बी ओ डब्ल्यू, उसमें से एक लेटर है फाइनल वर्ड में लेकिन वो बाओ के अंदर सही जगह पे नहीं है, तो कहीं आगे पीछे है वो. और थर्ड वर्ड देखेंगे तो इंक है, इंक के अंदर 2 येलो है, तो इसका मतलब इंक के 2 लेटर्स हैं थर्ड वर्ड में, वो फाइनल वर्ड में, बट जिस पोजिशन में इंक पे है ना वो करेक्ट पोजिशन नहीं है उनकी फाइनल वर्ड में. तो अब हमें इन हिंट्स के साथ एक 3-letter वर्ड बनाना है जो फाइनल यहाँ जाएगा, और जो भी वर्ड होएगा ड्रॉप इट इन द कमेंट्स. यस, ड्रॉप इट इन द कमेंट्स. थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग दिस. एंड या बस आई थिंक आई नो द आंसर. ओ, तुम सॉल्व कर लिया? सॉल्व किया. अच्छा, ओके, दैट्स इट फॉर दिस क्विज शो. If you like it, don't forget to like it and leave a comment if you like it, and yes, play with us, and bye. And don't forget to subscribe to Are Patang. Yes. Okay, bye.